हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, मुझे पता है, ख्याल रख रहे होंगे अपना। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप वोकैबुलरी याद करते हो और भूल जाते हो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, या एग्जाम के टाइम पर याद ही नहीं आते? आप लोगों के साथ, सबके साथ होता है। आप कहते होंगे हाँ, हमारे साथ होता है। ठीक है भाई, तो मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि एक बार याद कराऊंगा आपको, आप जिंदगी भर याद रखोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे। अगर ये बंदा भी आपको लेने आएगा ना, तो आप इसको भी आप सुना दोगे वो कैब, ऐसे तरीके से याद करा दूंगा। अब एक बार वीडियो देखना और जिंदगी भर के लिए दोबारा से वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, हमेशा के लिए याद। तो क्या होता है, देखो, एक ऑप्शन होता है, चार आंसर होते हैं, एक क्वेश्चन होता है, चार ऑप्शन होते हैं उसके। तो हमारा क्या होता है, अगर हम एंटोनिम सिनोनिम याद करें, आपका रूट वर्ड याद करें, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लो अगर उस वर्ड का मतलब आपको हिंदी में पता है और चारों वर्ड के मतलब आपको हिंदी में पता है, तो आप एक वर्ड बड़े इजीली बाहर करते हैं, और वही आज आपको याद कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताता हूँ कैसे तरीके से याद किया जाता है। ठीक है, चलो भागते हैं इसकी तरह जरा। तो पहला वर्ड जो मेरा आता है वो है एले। अब एले का मतलब होता है पीस, शांति। तो देखो कैसे याद करोगे, हस्बैंड वाइफ होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, आपको पता ही है। जब लड़की नाराज हो जाती है लड़के से, तो लड़का मनाता है उसको, भाई लड़की गुस्सा हो जाती है, उसको शांत करने के लिए जब लड़का मनाता है तो कैसे मनाता है, अले 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 अले, ऐसे ही मनाता है ना। अब जैसी अले अले बोलता है, लड़की खुश हो जाती है और मान जाती है, ठीक है भाई, वो शांत हो जाती है। तो जैसी अले माइंड में आएगा आपका, ऑटोमेटिकली माइंड कहाँ जाएगा, अले अले अले, शांत होना। सेकेंड वर्ड होगा आपका एलुसिडेट। एलुसिडेट का मतलब होता है पुष्टि करना, कन्फर्मेशन करना। तो इसको एलुसिडेट को 2-3 हिस्सों में तोड़ते हैं। ए लुसिडेट, तो एक लड़का है, ये लड़का है एक, तो ये अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि ए लूसी डेट पर चलेगी। अब देखो पूछेगा, ये एक लड़की आएगी, चेक करो, तो ये लड़की आ गई और ये पूछ रहा है कि ए लूसी डेट पर चलेगी, तो ये लड़की हंस दी, हाँ चलूंगी, क्यों नहीं चलूंगी। तो भाई ये दोनों रेडी हो गए डेट पर जाने के लिए। तो क्या पूछ रहा है ये कि ए लूसी डेट पर चलूंगी, तो कर क्या रहा है, कन्फर्मेशन कर रहा है। तो जैसे ही आएगा एग्जाम में एलूसी डेट, तो तोड़ लेना एलूसी डेट, आपको ऑटोमेटिकली माइंड में आएगा कन्फर्मेशन करना। ठीक है, थर्ड वर्ड है आपका बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब होता है झगड़ालू, झगड़ा करना, एग्रेशन। तो देखो भाई, आप लोगों ने ग्लूकोज पिया है, आप जब ग्लूकोज पीते हो तो आपको एनर्जी आती है, मगर किसी जानवर को पिलाओ तो उसमें एनर्जी तो आएगी, वो खेल कूद नहीं कर पाएगा, वो एग्रेसिव बन जाएगा, दूसरे वाले जानवर को मारने के लिए बन जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, बेलिकोस, बिल्ली कोस, तो मतलब बिल्ली ने पिया ग्लूकोज और क्या बन गई झगड़ालू। तो जैसे ही बेलिकोस आएगा, बिल्ली कोस याद कर लेना। तो फोर्थ वर्ड है आपका एलूड। एलूड का मतलब होता है संकेत देना, हिंट देना, इनडायरेक्टली हिंट देना। तो आप गए सब्जी वाले की दुकान पे, अब आपको चाहिए थे आलू, तो आपने इसको, अगर आप वर्ड को तोड़ लो एलूड को, आलू दे, तो आप क्या बोलोगे, उसको संकेत दोगे कि भाई क्या दे, आलू दे, आप संकेत दे रहे हो। तो जैसे एलूड आएगा माइंड में आ जाएगा आलू दे, मतलब संकेत दे। फिफ्थ वर्ड है आपका एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है खुद को पवित्र करना। ठीक है, तो मैं इसको अगर तोड़ू तो अब लूशन करके तोड़ सकता हूँ मैं इस वर्ड को, अब लोशन करके तोड़ सकता हूँ। तो नहाने के बाद आप नहाने गए थे, देखिए लड़का नहाने गया, जब बाहर आएगा तो धूप से बचने के लिए क्या लगाएगा, लोशन। तो खुद को क्या, क्यों लगाएगा, क्योंकि पवित्र करना है, मतलब नहाने के बाद अब लोशन लगाओ। अब लोशन क्यों लगाना है, खुद को पवित्र करना। तो एवोल्यूशन आएगा माइंड में सीधा आपके, ऑटोमेटिकली आएगा। तो सिक्स्थ वर्ड होगा अबेस। अबेस होता है किसी को नीचा दिखाना, डिग्रेड। तो कैसे होगा, देखो दो लड़की में लड़ाई हुई, अब एक लड़की कहती है दूसरी वाली को, ए नीचे देख, ए कहाँ देख, बेस पे देख, नीचे देख। तो बोल रही है, देखो लड़की कह रही है ए बेस पे देख, नीचे देख। तो क्या दिखा रही है वो उसको, एक लड़की दूसरे लड़की को क्या दिखा रही है, बेस पे देख, नीचा दिखा रही है, नीचा देख। सेवंथ वर्ड होगा बोम्बास्ट। अब बोम्बास्ट का मतलब होता है लंबी चौड़ी हाँकना, झूठ बोलना। तो आपका दोस्त बोले भाई आपको, चल आ यार बम ब्लास्ट करके आएंगे, चल हाईवे पे बम ब्लास्ट करेंगे, या चल इस घर में बम ब्लास्ट करेंगे। अरे क्या ऐसे थोड़ी कर दोगे बम ब्लास्ट, मजाक है क्या बम ब्लास्ट करना। तो आप क्या कहोगे, चल ना, क्या छोड़ रहे हैं, लंबी चौड़ी हाँक रहे हैं, बम ब्लास्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे थोड़ी कर दोगे आप बम ब्लास्ट, आए कम बम फोड़ के आएंगे, नहीं कर सकते। तो आपकी हंसी निकल जाएगी वहां पे कि नहीं भाई ऐसे नहीं होता, तू लंबी चौड़ी हाँक रहा है। तो जैसे ही बम ब्लास्ट आएगा, बम ब्लास्ट माइंड में आएगा, क्या आएगा, बम ब्लास्ट, क्या कर रहा है वो, लंबी चौड़ी हाँक। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका बर्गलरी। बर्गलरी होता है चोरी करना। तो आपको अगर मैं कहूँ कैसे याद करोगे, एक लड़की गई मैकडोनल्ड पे बर्गर लेने, बर्गर बड़ा पसंद था उसको, तो बर्गर लेने गई, मगर क्या हुआ, बर्गर ले तो लिया, पैसे नहीं थे उसके पास, तो क्या करा वो, बर्गर लेके भाग गई। अब बर्गर लेके भाग गई तो मैकडोनल्ड का जो मैनेजर था बाहर खड़े होकर चिल्ला रहा है, बर्गर ले गई, और क्या, क्यों चिल्ला रहा है वो, बर्गर ले गई क्योंकि चोरी करके भाग गई।
गई। अब जैसे ही बर्गलरी आएगा तो माइंड में सीधा क्या लाओगे, बर्गर ले गई, बर्गर लेके देखो खा गई बर्गर लेके ये, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लोगे इसको। नाइन्थ वर्ड आएगा आपका अब्डिकेट। अब्डिकेट मतलब गिव अप, गिव अप करना। तो एक लड़का था, उसने बेचारे ने ऐप बनाए बहुत मेहनत करके, आप पता पता होगा जिम वगैरह करी उसने, बड़ी मेहनत करके उसने ऐप बनाए, मगर हुआ क्या, कुछ टाइम बाद वो ऐप भाई डिकेड हो गए, मतलब क्योंकि वो बहुत टाइम रखना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, तो ऐप डिकेड हो गए। अब बेचारा देखो कैसे पतला दिखने लग गया, ऐप बेचारे के चले गए। तो कैसे याद करोगे, ऐप डिकेड, ऐप चले गए, गिव अप त्याग देना। टेंथ वर्ड होगा हमारा एबेरेंट। एबेरेंट का मतलब होता है एबनॉर्मल या पागल बोला जा सकता है। तो भाई एक लड़का, एक आदमी था, अगर आपसे ये बोले कोई दुकान वाला, घर वाला, अबे रेंट दे, आप किसी के रेंट पे रहते हो, बोले अबे रेंट दे, तो क्या क्या होगा, अबे रेंट मतलब अच्छे से बोल भाई, एबनॉर्मल तरीके से बोल रहा ना, तो अबे रेंट आएगा सीधा माइंड में, क्या आएगा, अबे रेंट एबनॉर्मल। अगला है अबेटमेंट। तो अबेटमेंट होता है किसी को गलत में मतलब साथ देना, गलत में साथ देना, ठीक है। तो आपने क्या करा, बैट लगाई, आपने अपने दोस्त से बैट लगानी सीखी, और बैट लगानी सीखी, अबेटमेंट याद करना, आ बैटमेंट, आ बैट लगाएंगे, ये आपने बैट लगानी सीखी और अब उसके साथ आप बैट लगाने चले गए, कैसीनो में चले गए, तो क्या कर रहे हो आप, उसके साथ गलत साथ दे रहे हो, आ बैटमेंट, आ बैट आप साथ गलत दे रहे हो। अगला होता है आ ब्रिज, इसको तोड़ लो हिस्सों में, इसका मतलब होता है छोटा करना। तो आ ब्रिज को तोड़ो, आ ब्रिज, आ ब्रिज, ब्रिज याद कर लो। तो ब्रिज क्या काम करता है, ब्रिज नॉर्मली जो काम करता है वो रास्ते को छोटे करने का काम करता है। तो जैसे ही आप ब्रिज आएगा तो आपके माइंड में ब्रिज आ जाएगा और क्या मतलब है, छोटा करना। अगला है आपका एब ओरिजिनल। तो एब ओरिजिनल होता है आदिवासी, अगर आप इसको तोड़ लो तो अब ओरिजिनल तोड़ लो, इसको दो हिस्सों में, अब ओरिजिनल। तो जो अब ओरिजिनल है वो कौन रह गया है, अब ओरिजिनल जो है वो हमारे आदिवासी रह गए, तो इसका मतलब होता है आदिवासी। अगला है एब्रोगेट। एब्रोगेट होता है खत्म करना, ठीक है। तो अब ओरिजिनल कौन रह गया है, अब ओरिजिनल जो है वो हमारे आदिवासी रह गए हैं, जैसे कि बताया था ना अब ओरिजिनल, तो अब ओरिजिनल हमारे आदिवासी हो गए हैं। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो कि अब ओरिजिनल लोग कौन है, हम तो भाई नकली नकली सामान खा के ऐसे हो रहे हैं, ये लोग असली खाते हैं। तो अगला है आपका एब्रोगेट। एब्रोगेट होता है खत्म करना, खत्म करना या रद्द कर देना। तो भाई एक लड़का आदमी था, वो ऑफिस में काम नहीं करता था, तो उसके 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 जो बॉस ने उसको निकाल दिया और कहता तू काम तो करता नहीं था, तो बोलता है अब रो गेट पे बैठ के, अब रो गेट, एब्रोगेट, अब रो गेट पर बैठ कर, क्यों रो, क्योंकि तेरे को निकाल दिया, रद्द कर दिया वहां से, तो अब रो गेट पर बैठ कर। याद हो जाएगा आप लोगों को, ये अच्छे से याद हो जाएगा देखते ही, एब्रोगेट मतलब खत्म करना। 15th वर्ड है हमारा एब्सोल। एब्सोल होता है पार्डन, या मैं अगर बोलूं दोष से मुक्त करना, ठीक है। तो भाई बहुत टाइम से केस चल रहा था, तो भाई जज ने कहा कि भाई अब केस सोल्व हुआ है, अब सोल्व हुआ है, अब सोल्व हुआ है मतलब अब सोल्व हुआ है, आप मतलब आपने कुछ नहीं करा, आप निर्दोष हो, दोष से मुक्त हो, मतलब बहुत टाइम बाद बताया कि आप दोष से मुक्त हो, आप घर जा सकते हो, ठीक है। मतलब अब सोल्व हो गया केस, अब सोल्व दोष से मुक्त कर दिया, ठीक है भाई, याद हो जाएगा आप लोगों को। 16th वर्ड है हमारा बी लाइन। बी लाइन का मतलब होगा डायरेक्ट और क्विक रूट, मतलब सीधा कोई रास्ता। तो भाई इसको तोड़ लो, बी लाइन, दो हिस्से में तोड़ लो, बी और लाइन हिस्से में तोड़ लो, बी लाइन। तो बी के लाइन कैसे क्या होगा, बी जो होती है, ये जो बी होती है मधुमक्खियां, वो हमेशा चलती हैं सीधी लाइन। तो बी कैसे चलती है हमेशा सीधी लाइन में, और इसका मतलब भी क्या है, डायरेक्ट रूट मतलब सीधा रूट पकड़ती है। तो जैसे बी लाइन आएगा आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा बी लाइन सीधा रास्ता, ठीक है, ये भी वर्ड याद हो जाएगा आप लोगों को। अगला जो वर्ड है मेरा वो है मेरा बेनीवोलेंस। बेनीवोलेंस मतलब होता है काइंडनेस, उदार, उदार जिसे कहते हैं ना, काइंडनेस, जो उदार रहते हैं, मदद करते हैं लोगों की। तो देखो एक लड़का था, ये बेनी, बेनी ने, ये बेनी था पहले बड़ा खतरनाक था, मगर हुआ क्या, इस बेनी ने, बेनी तोड़ लेना इसको दो हिस्सों में, बेनी और वोलेंस, बेनीवोलेंस, बेनी ने वोलेंस करना छोड़ दिया। बेनी ने ये वोलेंस करना पहले करा करता था, अब इसने त्याग दिया। जब बैनी ने वॉयलेंस करना त्याग दिया है तो क्या बन गया है, शांत बन गया है, काइंड बन गया है, ठीक है ना। तो बैनी ने वॉयलेंस करना छोड़ दिया मतलब काइंड बन गया है, तो याद हो जाएगा आपको, जैसी बैनी वॉयलेंस आएगा, बैनी और वॉयलेंस काइंड हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 18th वर्ड हमारा आता है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब होता है ओपन एंड अशेम्ड, मतलब खुले में कोई शर्म नहीं है किसी चीज की। तो भाई हुआ क्या, आपको अब बोला इसको तोड़ लेना, ब्लेटेंट, अबे टेंट, अबे ला टेंट, इसको ऐसे तोड़ना, अबे ला टेंट। तो भाई आपके दोस्त ने बोला अबे ला टेंट, मतलब क्या कह रहा है, यहीं लगाएंगे टेंट, लेके आ टेंट,
अबे ला टेंट, वो खुले में ही लगाएंगे, देखा जाएगा। देखो लगा दिया इसने खुले में टेंट, शर्म नहीं है, इसने लगा दिया, छोड़ो। अबे ला टेंट, ठीक है, मतलब ओपन एंड अशेम्ड। 19th वर्ड होगा आपका डोप। डोप मतलब होता है स्मीर, या मैं बोलूं लेपना, ठीक है। घर वगैरह लेपते थे ना पहले पहले जमाने में, तो कैसे याद करोगे? देखो कप, डोप मतलब डुबा, डोप को याद कर लो, डुबाना मतलब कपड़े को डुबा कर लेपो। कपड़े को जब आप डुबाते थे, डुबा के ही तो लेपते थे उसको। तो जैसे ही डोप माइंड में आएगा आपका, ऑटोमेटिकली क्या नाम क्या आएगा माइंड में, कि डुबाना, डुबा के क्या करना, फिर लेपना, तभी तो लिपेगी चीजें। तो देखो भाई ये लेप रहे हैं, डुबा कर लेपना। तो बी 20th वर्ड है हमारा कॉन्सीड। कॉन्सीड का मतलब होता है एडमिट टू बी ट्रू, या मान जाना कि ठीक है, स्वीकार कर लेना, ठीक है। तो आपके पापा ने आपको कहा कि भाई एक काम करो, चल सीडी लेके आ, चल सीडी लेके आ, और सीडी लगा। कौन सीड, आप मतलब कौन सीड, आपके पापा ने कहा ये सीडी कौन लगाएगा, तो आपके पापा ने बोला तुम लगाओगे। आपने क्या करा भाई, बात टाल तो सकते नहीं, बोला ठीक है मैं लगा लूंगा। तो क्या पूछा आपके पापा ने, कौन सीडी लगाएगा, तो आपने एडमिट कर लिया मैं लगा, ठीक है भाई। तो ये थे 20 वर्ड्स। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ऐसे ही वीडियो मैं लेके आऊंगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आगे वीडियो तभी आएगी जब आप इस वीडियो पर 200 लाइक मुझे दे दोगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो चलो भाई, थैंक यू, खुश रहो, अच्छे से रहो, और याद हुआ तो अच्छा हुआ। चलो बाय बाय।